न्यूज़ में क्या लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमें मैसेज करें और बताएं कि अगर वो आइडिया कूल हुआ, अगर यूजेबल हुआ तो जरूर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको तो हम तो तलाश में होते हैं। हाँ, सो प्लीज हमें मैसेज करें और बताएं, लेकिन मुझे तो मेरे मैसेजेस नहीं आ रहे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, पता नहीं, शायद मे बी इट्स नॉट, जो गेस्ट होता है उसके सामने नहीं आने तो चाहिए। तुमने भी हेलो सो लिखा है? अच्छा, वो मैंने अभी लिखा है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, अच्छा, मुझे मुझे आ रहे हैं, आपको आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ये कि वेयर इज मोमो, लोग पूछ रहे हैं महमूद साहब और मोमो कहाँ है। तो दोस्तों बताता चलूं, क्योंकि दो लोग ही इंस्टा पे हम कर सकते थे। अब हम एआरवाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो एआरवाई टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो है वो महमूद साहब और मोमो का आपसे करा दें। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह वो है, कैसे हासिल करेंगे, वो कर लेंगे टेक्नोलॉजी। हाँ कर लेंगे, अब तक तो कर लेंगे, सबको कुछ ना कुछ लाइफ पता में चल जाना गया। आप यकीन करो, मैंने तो उनसे पूछा है, भाई स्टेप बाय स्टेप बताओ इसमें कैसे मुझे इन होना है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मुझे तो खुद, मैंने से कहा, वो मरियम थी, मैंने से कहा मरियम आप मुझे भेजें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ताकि भाई मुझे बिल्कुल, मैं इतना हाईटेक नहीं हूं, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने कनेक्ट कैसे करना है, फिर आयशा कैसे कनेक्ट होंगी। तो खैर, पूरे वो पूरी एक एजुकेशन हुई है। हाँ वेरी गुड। चलें, ये हम टेक्नोलॉजी का सीख रहे हैं बैठ के क्वारंटीन एग्जैक्टली। पीरियड में। और देखिए, लोग जो हैं, मैं साथ कोशिश पढ़ने की कोशिश कर रहा पढ़े हूँ। पढ़े प्लीज, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं मैसेजेस दिखाई दे रहे। आप पढ़े। हाँ, कोई आशा आपके, कोई एक कह रहे हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं, सारे आयशा की तारीफें कर रहे हैं। भाई मैं फिर ऊपर छत पे कर रहा हूँ कैमरा अपनी तरफ से। थैंक यू। एक्चुअली पता है, मेरे में मैं सिर्फ कोई ऐसी पोजीशन ढूंढ रही हूँ कि मैं कंफर्टेबली वहां बैठूं, लाइट भी अच्छी आए मेरे मुंह पे, मैं अच्छी भी लगूं, और वो मुझे पोजीशन नहीं मिल रही अभी क्योंकि अजीब सा अच्छा, टाइम। नहीं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त मैं भी, क्योंकि मैंने भी डे लाइट का ही सहारा लिया हुआ था, और इस वक्त क्योंकि सनसेट सनसेट होने को है, तो लाइट का सोर्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रहा है। लेकिन पीछे बहरहाल कौन नजर आ रहा है मुझे शीशे में? शीशे में मैं ही हूंगा, शीशा नहीं ये नहीं वाला नहीं है, अच्छा हाँ, फिर आप ही होंगे। मैं ही हूंगा, मैं ही हूंगा शीशे में, मैं ही हूंगा। बाकी पूरा कमरा जो है वो साफ, मैंने सबसे कहा था कि भाई आप लोग जो है वो अपने अपने कमरों में एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि अब वरना तो आपको अंदाजा नहीं है कि तूफाने बदतमीजी होता है इस वक्त ना यहाँ पे। जिब्राइल को जो है वो बड़ी मुश्किल से हमने नीचे, वो बिल्लियों के साथ बिठाया है, वो बिल्लियों के साथ खेल रहा है, क्योंकि अगर वो आ जाता तो फिर मैं और आप बात नहीं कर पाते। एनर्जी तो बहुत ज्यादा कंटेन्ड होगी, कितना मुश्किल है उस एज के बच्चों को रखना घर में, कॉन्स्टेंटली कीप देम एंगेज, स्कूल बंद। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स राइट नाउ। मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ ओ गॉड, देखिए, यू नो। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो घर में खवातीन हैं। हाउसवाइफ्स, ओहो, एग्जैक्टली, मैं समझता हंड्रेड हूँ परसेंट उनको उनको देखिए, बाकी लोगों को हमने सलूट किया, उनको भी हमारा सलूट है, क्योंकि सलूट है भाई। घर, उसकी वजह बच्चे घर पे आ गए, मियाँ घर में आके बैठ गया, अब खाना चाय और फिर बच्चों सफाइयाँ, का, बर्तन, ये जी वो जी जी सब जी करना है। जी जी और उसके बाद फिर जो है, फिर लोग बच्चों के, क्योंकि घर में है और उनके मूड स्विंग्स होते हैं, और वो सारा कुछ जो है वो माए ही बर्दाश्त कर रही होती है। बाप तो एक आधी लगा भी देते हैं कि चल निकल यहां से, लेकिन ये कि माए जो है ना वो बर्दाश्त कर रही होती है। तो ये मैं समझता हूँ एक इम्तिहान घर बैठी हुई खवातीन का भी है, माओ का भी है, और उनको भी हमारा सलूट है कि यार वो इस तरीके से बिल्कुल जो है सलूट, वो बिल्कुल। और करें। बड़ी उनके लिए रिस्पेक्ट है मेरे नजरों में अब, क्योंकि घर का काम तो खत्म ही नहीं होता, मतलब इट्स नेवर एंडिंग। मुझे याद है एक शो में करता था, उसमें एक खातून से मैंने क्वेश्चन पूछे वो गाड़ी जीतने के लिए, उन्होंने बता दिए 5 के 5। तो मैं परेशान हुआ, क्योंकि मैंने उनसे बड़े मुश्किल क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि
तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप कोई पढ़ाती वढ़ाती हैं कहीं, टीचर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जस्ट अ हाउस वाइफ। तो मैंने लोगों से खड़े होकर तालियां बजवाई। मैंने कहा भाई आप समझती हैं कि सिर्फ हाउस वाइफ होना कोई आसान काम है इसके लिए, क्योंकि आप एक पूरी जनरेशन तैयार कर रहे होती हैं, और पूरा मतलब ये मैं समझता हूँ पहल जॉब करने से ऑफ घर की जॉब कोर्स, करना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। आप मतलब ह्यूमन बीइंग्स को इस दुनिया में इस काबिल कर रहे हैं कि वो बाहर जाएं और कुछ बने, दैट्स द बिगेस्ट जॉब। और आप देखे उनकी जी, बोले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा आसान है कि हम बिल्ली का बच्चा पाल लें, इंसानों के बच्चे पालना सबसे मुश्किल है जो आगे से आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो तो जानवर तो हम पालते इसलिए कि चलो जी गुड लिस्टनर होते हैं, आगे से कुछ नहीं कह रहा, उस गरीब ने सुनते रहना है। तो आगे से जो आर्ग्यूमेंट होना है वो तो फिर अपने अपने बच्चों से होना है। तो मुझे लगता है कि और घर की बूट्स ट्रैप्स, खबर, बदतमीजी, सब कुछ। या हर आई चीज, एग्री, हर हर चीज चीज। मैं समझता हूँ, अगर अगर माँ बाप के दिल में अल्लाह प्यार ना डाले तो सबसे मुश्किल बच्चा पालना, इंसान का बच्चा पालना। ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा भाई, मैं देखती हूँ मैसेजेस क्या आ रहे हैं। अब कुछ कुछ चलना शुरू नहीं, अभी भी स्टक। नहीं मुझे शुरू शुरू के मैसेजेस हैं, बस मुझे वही नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुझे एक मेरे हेलो के बाद मुझे कोई मैसेज नहीं नजर आया। अच्छा, नहीं 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 आशा, लोग कुछ बीच में बहुत सारे लोग तो हेलो कर रहे हैं, हार्ट्स भेज रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कुछ, और लोग जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और बुलबुले के हवाले से भी बात कर रहे हैं। और देखिए कमेंट कमेंट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लव, वी लव योर शो, और इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। अब देखिए, लेकिन अच्छा, हाँ एक जगह होती है नबील, अगर आप नीचे देखें तो एक आपको एक जो बटन्स, जो जो टैप करने के लिए आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, उसमें एक जगह पे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, रिटन क्वेश्चंस। हाँ आप वो टैप दबा दूँ? करें, टैप कुछ खुलेगा, क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा आपको एक। जी 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 सवाल तो है इसमें, हाय ब्रावो अमेजिंग क्या बोलूं, महमूद साहब बोले, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आंसर इसमें हैं। लोगों के जो सवाल हैं वो बहुत अपलोडिंग टू नाइट एपिसोड, वो पूछ रहे हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा, और हाँ को मोमो कहाँ है, वही वाले जो यहाँ आ रहे हैं ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन जो दोस्त हैं वो कर रहे हैं हमसे इस वक्त। और मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ पा रहा हूँ तो कोई थम्स अप कर रहे हैं दोस्त, कोई मोस्टली जो मेरे मेरे एक तरफ चलते हुए लोगों, देखें लोग हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि लोग जो हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि मूवी क्यों नहीं बना रहे, बीच में हमारा प्लान बना था मूवी बनाने का, वो भी डिले हो गया, फिर हम बीच में ब्रेक दे दिया था, फिर हमने दोबारा सीजन टू शुरू किया। तो देखें बीच में हम एफर्ट करते रहे हैं, और बेतहाशा हार्ट्स जो हैं वो लोग बना बना के भेज रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि लोग कितना प्यार करते हैं बुलबुले से, बुलबुले की टीम से, और ऑब्वियसली लोगों और का क्योंकि इस बहुत वक्त बहुत ग्रेटफुल है हम हर वक्त। शुरू में तो नहीं, बीच में ऑब्वियसली जब एक टाइम आया था व्हेन वी वर लाइक, अच्छा भाई अब ये कब तक चलेगा, एंड देन ऑल ऑफ दैट हैज टर्न्ड इनटू सो मच ग्रेटिट्यूड। और इतना, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि अच्छा अब आप लोग बोर नहीं हो गए, 10 साल हो गए हैं बोर नहीं होते, तो यू नो आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड आई एम लाइक, हाँ बिल्कुल, बीच में एक टाइम आया था जो बोर हुए थे, उसके बाद इट टर्न्ड इनटू ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस कि यू नो वी हैव दिस, जिसमें हम हर महीने इकट्ठे होते हैं, हम कलेक्टिवली एक शेयर करते हैं एक एक्सपीरियंस व्हिच जिससे हमारी जिंदगियों में इतना प्यार और अप्रिसिएशन आ रही होती है, और वो एक डेली, एक मंथली रिचुअल की तरह मैं तो इसको अब ट्रीट करना शुरू हो गई हूँ, यू नो। वेरी राइट, इसमें वेरी राइट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आप जब आप लोगों को खुश करती हैं आशा, लोग आपको देख के खुश होते हैं, जब आप बाहर निकलती हैं, आपको 3 साल का बच्चा, 2.5 से 3 साल का बच्चा देख के स्माइल करता है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। आप सोचे ना कि आप 3 साढ़े 3 साल के बच्चे के चेहरे पे स्माइल ला रही हैं, लोग करोड़ों रुपया भी खर्चे तो वो नहीं ला सकते। और
और दूसरी बात ये, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि इस वक्त जो है हमारी अपनी थेरेपी बन गई है। हम जिस तरीके का फन वहां रिकॉर्डिंग पे करते हैं, हमें खुद, मुझे अच्छी तरह याद है कि सब जब इकट्ठे होते हैं तब कहते हैं यार बुलबुले, बीच में कभी महीने का ब्रेक आ जाता तो सब ये कहते हैं कि यार हम तो बड़ा मिस कर रहे थे कि यार बुलबुले पे जाएंगे, हम अपनी मजाक कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के फैमिली मैटर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तबसे कर रहे होते हैं, और एक 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 मजाक और एक दूसरे का एक दूसरे से मतलब किस, अब देखें ना एक हमें हम वो घर जो है जावेद साहब वाला घर, उसको हम कैसे इग्नोर कर दें। अब खुदा की कसम वहां फीलिंग ये तो नहीं होती कि हम किसी गैर जगह पे शूट के लिए आए हुए हैं, वो अब हमें अपने अपने कमरे से लगने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी रूटीन्स हैं, सबको पता है कि अच्छा अब इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं सब। मैं तो जहन में एक लिस्ट रखती हूँ मेंटल कि अच्छा अब वो गाड़ी का काम के बारे में डिस्कशन करना है, वो फ्लां चीज के बारे में डिस्कशन करना है। वेरी राइट वेरी राइट। अच्छा जी, और क्वारंटीन के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि बहुत दिन ऐसे गुजरते हैं मेरे तो, जब मैं फील करती हूँ कि मैं इतनी अनप्रोडक्टिव हो रही हूँ, क्योंकि आई फील, देखिए जिनके घरों में फैमिलीज हैं और जिनके घरों में बच्चे हैं उनका तो फिर भी एक एक सिलसिला ये चल रहा है कि अच्छा अनप्रोडक्टिव तो कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने बच्चों के टाइम साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट? तो और उनको तो रेज कर ही रहे हैं ना साथ साथ, तो वो एक हायर पर्पस तो चल रहा है। अब मैं कुछ दिन ऐसे फील करती हूँ कि तो मेरे दिन बिल्कुल जाया हो गए, बस मैं खा लिया और मैंने वॉक कर ली और मैंने फजूल टीवी देख लिया और मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैं बिल्कुल एक प्रोडक्टिव नहीं हो रही। सो मैं बहुत ज्यादा डाउन इससे होती थी, अक्सर दिन मेरे गुजरे जिससे आई फेल वेरी लो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यू नो ये कैसा टाइम है जब किसी को मेंटली समझ नहीं आ रही कि हाउ टू टेक दिस, एंजाइटी लेवल कुछ टाइम्स पे हाई चला जाता है, कुछ टाइम्स पे लो होता है, आगे क्या होगा, अब क्या बनेगा, दुनिया की क्या सिचुएशन होगी, आपके जो भी प्लान्स थे लॉन्ग टर्म वो काफी हद तक रुक गए हैं, ऑल्टर हो रहे हैं लोगों के। सो अपनी मेंटल स्टेट को भी देखना और उसके बारे में सोचना कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, एंड इट्स ओके टू फील लाइक दिस। नहीं देखिए उसमें सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी आपको सपोर्ट मिलती है, जैसे मैं समझता हूँ इसको, जिसको मैं खुद भी प्रैक्टिस भी करता हूँ, कि जब आप दिन में जब भी कभी हर आदमी गुजरता है, हर आदमी सुबह उठता है, मैं मेरे समेत कि यार वो ये चीजें ऐसे हो गई, हमने ऐसे सोचा था, वो हजरत अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो अगर आप इस क्वारंटीन में अपने क्रिएटर से, हमारा क्रिएटर अल्लाह है, उससे अपना ताल्लुक पक्का कर लेते हैं, और अगर आपको आप जैसे ही देखिए उसमें कितने मजे की बात है कि जब आप थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, तो फिर आप अल्लाह से बात करते हैं, आपको हौसला मिल जाता है, फिर जैसे ही एक जगह से फिर फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं फिर अगली नमाज का वक्त आ जाता है और आपको अपने अल्लाह से बात करने, अपने क्रिएटर से बात करने का मौका मिल जाता है। मैं समझता हूँ इससे अच्छी काउंसलिंग जो जो आप अपनी बात अपने अपने क्रिएटर से, अपने अल्लाह से कर सकते हैं, वो आप किसी से नहीं कर सकते। और जो पीस, देखिए हम जिंदगी की सारी एफर्ट्स जो कर रहे होते हैं वो पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे होते हैं, हम समझते हैं चीजों में पीस ऑफ माइंड है। अच्छा इंसान है वो इस तरह भाग रहा होता है कि हम ये अपनी लग्जरीज में पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यकीन मानो मुझे, मैं तो इस चीज को इतना ही समझ सका हूं कि जितना पीस ऑफ माइंड आपको अपना अपने क्रिएटर से ताल्लुक पक्का करने में हो मिलता है, वो किसी जगह मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल, उफ। और पता है, when I was younger, of course, आपका तो experience और इन चीजों में, you know, you lived a different life. अच्छा ये चीज आपको रियलाइज नहीं होती when you're younger, क्योंकि शायद आप उन struggles से नहीं गुजरे होते उस वक्त जिसमें आपने टेस्ट किया ये बात, पर जो कनेक्शन आपकी आपके क्रिएटर से होती है उसमें जो वो कम्युनिकेशन आपकी अल्लाह से जिस तरीके से भी है, उससे जो जो
sense of fulfillment, sense of peace और sense of gratitude जो मिलता है वो किसी और चीज से नहीं बन सकता। अग्री करते इसमें। और दूसरी एक चीज आशा, एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया, और एक डिपार्टमेंट वो है जिसमें हुकूक इबाद आ जाते हैं। अच्छा, हुकूक इबाद जो है ना, वो भी आपको बहुत सेटिस्फाई करते हैं। अगर मुझे पता हो कि यार मेरे साथ रहने वाले लोगों का मैंने ख्याल कर लिया है, मैंने लोगों जो भी जिस तरीके से भी है मेरे साथ जो लोग थे उनको मैंने टाइमली चीजें जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं मेरे मैक्सिमम मेरा इख्तियार है, मैं उनके लिए मैंने आसानियां पैदा कर दी हैं, तो आप यकीन माने इससे ज्यादा भी पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिलता कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं कि यार अब मैं किसी के लिए भी कोई एक किसी लेवल पे, वो फाइनेंशियली हो, वो फिजिकली हो, वो मॉरली हो, जो आप कर सकें। मैं समझता हूँ ये एक दूसरा डिपार्टमेंट है कि आप अगर हुकूक इबाद, हुकूक अल्लाह के बाद आप हुकूक इबाद की तरफ आते हैं, और आपके जुड़े हुए रिलेशन, जैसे सोसाइटी में अगर आप अपने पहले करीबी, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर रिश्तों के ख्याल करें, अपने हमसाए का, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका, आप उनका ख्याल करते जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें जो है ना, आपकी एंजाइटी को इधर उधर कर देती हैं, कि आपको लगता है कि यार आप जो हैं वो आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। पर्पस है आपका जिंदगी में कोई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।